27 नेट में आ चुका 2016 में, टू आइडेंटिकल ग्लास, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, ये रहा आपका 3/2 और 3/2, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ3, उसके बीच में क्या लिक्विड भरा हुआ है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वाटर, जो भी वाटर भरा हुआ है, सबस्टेंस जो भी है, उसका दे रखा है 4/3। इसकी फोकल लेंथ तो f2 एज्यूम कर रहा है, इसका f1, इसका f3। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी कम f इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है ना, 1/f इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। यहां तक हमें पहुंचना है, तो चलो यहां तक हमें पहुंचना है तो हमें कुछ ना कुछ एक क्लू चाहिए। तो एक बात, पहली बात ये बताओ कि f1 जो होगा क्या f3 के बराबर होगा, सही बात है, f1 और f3 दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे लिखूंगा मैं, f2 क्या होगा वही बताता। तो अब स्टार्ट करते हैं f1, तो f1 कैसे लिखेंगे, f1 इक्वल टू क्या होगा, f1 इक्वल टू r/2 इंटू μ/-1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने डायरेक्टली, तो f1 आ गया हमारा, और यही जो होगा f3 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो आ जाएगा 3/2-1, तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2 से कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा हमारा r, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी r, f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू r आ गया। f2 निकालते हैं, f1 इक्वल टू f3 यहां पे लिख लेते हैं, f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू r, ठीक है। आगे अगर मैं f2 निकालूं, f2 के लिए सेम ऐसे ही r/2 यहां पे 2 × 4/4 कितना दे रखा है 3/4-1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/3-1 कितना होगा, तो क्या 4-1 कितना, 4-3 कितना होता है 2, 4-3 1/3, तो 1/3 मतलब आंसर हमारा जो आएगा r/3/2, ठीक है, कितना आया मेरा 3/2 r, ठीक है। साइन देखते हैं, साइन तो यहां पर 4-3, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया, ये जो f2 जो आएगा किसके लिए, अच्छा रिफ्लेक्टिव तो माइनस होगा, तो यहां पे हमारा माइनस आ गया, तो कितना आएगा मेरा -3r/2, ठीक है, 3r/2 या 3f/2 बोल सकते हैं। चलो अब f इक्विवेलेंट निकालो, तीनों का सम करना अपने को, 1/f=1/f1+1/f2+1/f3, सम करेंगे तो कितना आएगा 1/f+1/1/f+, और f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे f2 की वैल्यू जो है 3r/2, तो उल्टा हो जाएगा, कितना होगा -k 2/3f, ओके, +1/f, इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3f, यहां पे हमारा हो जाएगा 3-2+ कितना होगा, इतना यहां पे होगा 3, तो कितना हमारा हो जाएगा 6 में से 2 = 4, तो यहां पे हमारा आएगा 4/3f, ठीक है, 4/3f f, तो इसको डिस्ट्रोकल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो f इक्विवेलेंट कितना आएगा, f इक्विवेलेंट इक्वल टू 3f/4, वी गेट द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है, आप आंसर मैच करा लीजिए, देखिए 3f/4 ऑप्शन नंबर 3, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है 3f/4 है। एक बार और बताया था आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 दे रखा है, μ2 दे रखा है, तो मैंने क्या पहले f इक्विवेलेंट सोचा, मैंने f इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, तो f इक्विवेलेंट क्या होगा 1/f1+1/f2+1/f3, तो हमें पता है कि 1 जो f1 और f3 दोनों बराबर होंगे, तो मैंने f1 सेपरेटली निकाल लिया, तो r/2 3/2 सॉल्व किया, तो मेरा r आया, r मतलब f,
ठीक है, आर को हम एफ बोल सकते हैं. ओके तो एफ एफ टू निकाला, एफ टू भी उतना ही, एफ टू थ्री आर बाई टू आया, मतलब माइनस के थ्री आर बाई टू आया. तीनों को सम किया, तीनों को सम करने के बाद इतना आया, इसको उल्टा कर दिया, आंसर मेरा आ गया.